हाय स्टूडेंट्स, हियर इज आदित्य कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बोस कटक। टुडे वी विल कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक मेंटेनेंस। टुडे इज आवर सेकंड क्लास। फर्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ प्रिपेयरिंग आवर मेंटेनेंस शेड्यूल, व्हिच इज योर लास्ट पॉइंट ऑफ योर टॉपिक। प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल मीन्स आम केमी आम मेंटेनेंस कर गोटे मेसीन को डेली मेंटेनेंस करवा ना विकली मेंटेनेंस करवा ना तार कौ प्रकार मेंटेनेंस शेड्यूल अच्छे। एक्चुअली यू जिन एक्सपीरियंस थ्रू एक्सपीरियंस ये सब जिनस कराए। अदरवाइज जन को जब गोटे मेसीन दिजाव कि चेक करा सी आरंभ पुणी चेक करना तो जेन आम तार सब शेड्यूल थाए कौ टाइम कौ चेकटा करें जानदे आ तो बहुत मेसीन बहुत गुड़े चेक करा पड़े तो कौ टाइम कौ चेक करदे आमको आट ए टाइम जब मेसीन किसी खराब होगा कौ टाइम से खराब है गोटे विक पर खराब है कि गोटे इयर पर खराब है तो से हिसाब से आम मेन्टेनान्स करवा। अदर जो तरह किसी मेन्टेनान्स शेड्यूल रखानी आम आउ थे आरंभ पुणी सबूतक चेक करा पड़ो तो दैट इज आवर मेन्टेनान्स शेड्यूल एंड व्हिच इज योर बेस्ट। चैप्टर तुम बहुत गुड़ा क्वेश्चन आसे। सो थ्री फेज इंडक्शन मोटर हाव डेली मेन्टेनान्स। डेली मेन्टेनान्स आम कौन कौन सब चेक करवा आम भिजुआली एक्जामिनेसन करवा कह रहा आर्थ ठीक ठाक अच्छी कि नहीं मोटर लीड सब ठीक मोटर जो पॉइंट लगे ठीक ठाक अच्छी कि नहीं ओवर हिटिंग हो परमिसेबल मैक्सिमम टेम्परेचर ठार अधिक वोल्ट टेम्परेचर हो एक्सेस वाइब्रेशन हो आम हैंड द्वारा चेक करवा कंट्रोल इक्विपमेंट सब ठीक ठाक अच्छी कि नहीं ऑयल रिंग जदि अच्छी तार तेल बियरिंग में तार ऑयल ठीक ठाक कम करें जान जब बियरिंग ठीक ठाक कम न कर अधिक साउंड हे तो बियरिंग ऑयल टाक चेक कर नोट डाउन टेम्परेचर बेरिंग बेरींग्र टेम्परेचर टाक नोट डाउन कर कपलींग जो जगह कपलींग बेरिंग अन्य जिन लगे जिनसा को आम चेक करवा जब विकली मेन्टेनान्स करवा कौन करवा चेक फर बेल्ट टेनसन जब बेल्ट इंडक्शन मोटर बेल्ट ड्राइव सहित लगी आडजस्ट करवा अधिक टाइट थे कि लुज थे आम आडजस्ट करवा ब्लो क्लीन एयर ड्राई एयर फ्लो ब्लो करवा कहीं डस्ट क्लीयर करने स्टार्टर जब बर्न कंटाक्ट किसी अच्छी आम चेक करवा जदि खराब थी तक चेंज करवा फर ऑयल रिंग लुब्रिकेटिंग मोटर जो थे ऑयल दरकार होती आम बेरिंग में आम तर कौन करना ऑयल रो कलर टाक चेक करवा जदि तार ऑयल रो कलर चेंज होने जानवे जी से हिसाब से बेरिंग टा खराब अच्छी कि भल अच्छे। नेक्स्ट तार मंथली मेन्टेनेंस जब कर कौन करवा चेक फर क्लीन ऑयल ऑफ सर्किट ब्रेकर जो सर्किट ब्रेकर जब यूज तार ऑयल टा क्लीन करवा रिन्यू ऑयल करवा ऑयलटा जहाँ जो यूज रिन्यू करवा कह रहा हाई स्पीड बेरिंग ऑयलटा को रिन्यू करवा वाइंडिंग क्लीन करवा वाइप आउट ब्रश करवा केमती ब्रशटा को वाइप आउट केमती करवा बाय द यूज ऑफ कॉटन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रश जो जगह पॉइंट ब्रश कॉन्टैक्ट स्लिप रिंग सहित लगुच जदि हैप्पी मेंटेनेंस कर कौन करवा क्लीन एंड डस्ट भार्निश क्लीन एंड भार्निश वाइंडिंग भार्निशा आम वाइंडिंग कौन कर भार्निश करवा स्लिप रिंग देखा तर ठीक ठाक अच्छी ना जब स्लिप रिंग रि डैमेज होती चेंज करवा देन ग्रीज कौ थे चेक करवा ग्रीज ना बल बल बेरिंग रोलर बेरिंग में जब किसी ग्रीज प्रॉब्लम है तक आम चेंज करवा बेरिंग वाश करवा पेट्रोल पुणी रिफिल करवा न्यू ऑयल जब तार आनुआल मेन्टेनान्स करवा थ्री फेज इंडक्शन मोटर कौन करवा चेक फर चेक एंड रिन्यू ऑल हाई स्पीड बेरिंग जब हाई स्पीड बेरिंग है तक चेक करवा क्लीन ड्राई एयर ब्लो करवा क्लीयर डस्ट पाई भार्निश को क्लीयर करवा ऑयल जदि थी तेल भार्निश को क्लीयर करें सुखाई था चेक अलाइनमेंट ठीक ठाक अच्छी ना नहीं स्विच फ्यूज जब डैमेज चेंज करवा स्टार्टर ऑयल चेंज करवा चेक फर इन्सुलेशन रेजिस्टेंस हो अर्थ रेजिस्टेंस हो ताको आम चेक करवा एयर गैप बिटवीन आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग जो रही तादर जदि किसी प्रॉब्लम शॉर्ट सर्किट होवी करंट फ्लो कर तो आम चेक करवा अदरवाइज तार अलग कौन सब इन्स्पेक्शन अच्छी एक्सटर्नल मेंटेनेंस करवा कौन देखा ना चेक नेम प्लेट जब नेम प्लेट नकोसी लोक पाखक जीवन तार रेटिंग जापर फ्रिक्वेन्सी डेंजर के हाई वोल्टेज की जापर से एक्सटर्नल मेंटेनेंस देखा नेम प्लेट तार अच्छी ना नहीं मिसिंग तार पार्ट्स मिसिंग अच्छी ना नहीं सरफेस ऑफ कम्यूटेटर अधिका तादेह ब्रश जमा ब्रश्र गुंड जमा कि कार्बन ब्रश्र गुंड ब्रश ब्रश होल्डर यू आम वाइप आउट करवा कटन वे सांगे स्लिप रिंग मोटर रेजिस्टेंस आम चेक करवा देखा स्लिप रिंग मोटर रेजिस्टेंस कहीं आम चेक करवा जदि तार वाइंडिंग कटि जाइए रेजिस्टेंस कटि जाइए सेक करवा इन्सुलेशन ऑफ वाइंडिंग
चेक करिबा टर्मिनल अर्थिंग ऑफ बॉडी ए सब जिन समय एक्सटर्नल मेंटेनेंस चेक करिबा नेक्स्ट समय इंस्पेक्शन ऑफ मैकेनिकल पार्ट नेक्स्ट कौन चेक करिबा ये सब होची एनुअल इंस्पेक्शन परे एनुअल इंस्पेक्शन परे ये मजरे मजरे चेक हुए इंस्पेक्शन ऑफ मैकेनिकल पार्ट्स कौन करिबा विजुअल इंस्पेक्शन करिबा फाउंडेशन लेवल यदि फाउंडेशन रे किछि क्रैक हो जाइछि हमरा अलाइनमेंट रे प्रॉब्लम होई पारे शाफ्ट रे प्रॉब्लम होई पारे अधिका साउंड होई पारे शाफ्ट ऊपर अधिका प्रेशर पड़ी पारे सेतमे हमें कौन कौन करिबा ना शाफ्ट चेक करिबा बेरिंग पोजिशन ऑफ ब्रश होल्डर ये सब चेंज हो पारे जदि हमरा फाउंडेशन रे किछि प्रॉब्लम हैला तले सब जिंस भी हमरा चेंज हो जइबो प्रॉब्लम होबे सब जिंस रे जामिंग ऑफ रोटर भी हो टाइटनेस ऑफ टर्मिनल कनेक्शन हमें करिबा जो जो जगह रे लूज कनेक्शन अछि ताका हमें टाइट करिबा जदि अल्टरनेटर देखियो अल्टरनेटर कौन कौन सब शेड्यूल अछि मेंटेनेंस शेड्यूल मंथली इंस्पेक्शन मंथली मेंटेनेंस करिबा कौन कौन मंथली चेक करिबा कौन चेक करिबा चेक ऑयल कलर एंड लीकेज ऑफ बेरिंग नॉइज ऑफ बेरिंग रे किछि नॉइज आछि कि ब्रश ठीक ठाक अछि ना वायर आउट हो जाए कम जान वर्न आउट ऑफ ब्रश कम जानवा जब स्पार्किंग करें जानपर जे ब्रश वर्न आउट वाइप आउट कम्यूटेटर कम्यूटेटर को सफा करवा बाय द यूज ऑफ कॉटन ब्रश वाइब्रेशन चेक करवा बोल्ट्स एंड अदर लूज पार्ट्स को हमें कौन कर चेक करवा जब हैपीली मेंटेनेंस करें कौन करवा बेरिंग आउ बेरिंग टाक चेक करवा ग्रीस करवा ऑयलिंग करवा कम्यूटेटर कम्यूटेटर टाक चेक करवा नेक्स्ट आउ कौन चेक कर शाफ्ट की कौन जो थे कि आम पुलिस सहित गोटे अन्य गोटे मशीन कपलिंग से जगह शाफ्ट की लगी थाए तो शाफ्ट की चेक करवा इंसुलेशन रेजिस्टेंस पोलराइजेशन इंडेक्स हमें जानते पोलराइजेशन इंडेक्स मीन इट इज यूज फॉर मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस पोलराइजेशन इंडेक्स चेक करवा पुअर कनेक्शन एंड आर्किंग हीट ऑफ वाइंडिंग राइजर एक्सेसिव वाइब्रेशन आउ अलाइनमेंट सब चेक करवा हैपीली मेंटेनेंस एनुअल मेंटेनेंस हेले कौन चेक करवा चेक फॉर हाई स्पीड बेरिंग जो हाई स्पीड बेरिंग है ताकू चेक करवा क्लीन एयर आम दवा कहीं डस्ट को क्लीयर करने सुइटेबल प्रेसर रे क्लीन करवा भार्निश आउ ऑयली वाइंडिंग आम क्लीन करवा इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करवा अर्थ रेजिस्टेंस एयर गैप बिटवीन आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग सब जिन हमें चेक करवा जब अल्टरनेटर एनुअल मेंटेनेंस करचे देन से डीसी मशीन रे केत प्रकार रे मेंटेनेंस अछि डीसी मशीन ना फा देखियो डेली मेंटेनेंस डेली मेंटेनेंस रे कोन चेक करिवा अर्थ एंड अदर वायर मोटर वायर ऑफ मोटर हीटिंग ऑफ वाइंडिंग चेक करिवा बेरिंग रे ऑयल ठीक ठाक अछि ना चेक करिवा स्टार्टर्स ठीक ठाक काम करछि ना नै जदि ब्रश वर्न आउट हे केन ब्रश वर्न आउट हे चेक करिवा जदि तार स्पार्किंग करछि ताले ब्रश वर्न आउट हे छ जान परिवा लूज कनेक्शन जदि किछि अछि ताकू चेक करिकि टाइट करिवा वीकली मेंटेनेंस रे बेल्ट टेंशन चेक करिवा लूज की टाइट करिवा एयर गैप बिटवीन आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग चेक करवा टर्मिनल कनेक्शन और मशीन चेक करवा जब टर्मिनाल कहीं मैक्सिमम जगह आमर आलमुनियम वायर यूज होता है आमर एस्टिमेटिंग कमेपी जब आलमुनियम वायर किसी प्रॉब्लम होता है तो आम टर्मिनाल कनेक्शन चेक करवा ठीक ठाक वायर ठीक ठाक अच्छे नहीं देन मंथली मेंटेनेंस रे चेक कौन करवा लीकेज ऑफ ग्रीज जो जो आम दे था कौथे ना बेरिंग रे दे था ताको चेक करवा नॉइज ऑफ बेरिंग जब नॉइज ऑफ बेरिंग मीन्स बेरिंग सुखी जाइए सेटा चेक करवा साउंड रे जानपर नॉइज ऑफ बेरिंग रे जानपर तार मेंटेनेंस दरकार कि नहीं वर्न आउट ऑफ ब्रश स्पार्किंग जानपर ब्रश वर्न आउट होना नहीं तार हैपीली मेंटेनेंस देखुचे हैपीली मेंटेनेंस रे कौन कौन शेड्यूल रही कौन कौन चेक करवा पुअर वायर कनेक्शन देखा जोटी लूज हो जाती हमें चेक करवा वाइंडिंग हीटिंग चेक करवा ग्रीज इन बॉल एंड बेरिंग जानपर कमी तार नॉइज जानपर बेरिंग को वाश करवा पेट्रोल रे एंड रिफिल करवा न्यू ऑयल रे जब एनुअल मेंटेनेंस कर डीसी मशीन रो देन आम कौन कौन चेक करवा चेक फॉर हाई स्पीड बेरिंग ब्लो क्लीन ड्राई एयर आर सुइटेबल प्रेशर क्लीन एंड वार्निश ऑयल वाइंडिंग इंसुलेशन एंड अर्थ रेजिस्टेंस चेक करवा आउ एयर गैप बिटवीन आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग चेक करवा जब ट्रांसफार्मर देखा ट्रांसफार्मर कौन सब मेंटेनेंस है आवरली मेंटेनेंस मैक्सिमम मेंटेनेंस ट्रांसफार्मर रे ही था आवरली मेंटेनेंस रे हीटिंग ऑफ वाइंडिंग ऑयल टेम्परेचर चेक करवा लोड जदि अधिक हो जाए मैक्स अधिक लोड हो जाए ट्रांसफार्मर रे ताले कौन हम ताले आमर वोल्टेज कमी जाए घरे वोल्टेज कमी जाए मैक्स ट्रांसफार्मर उपर अधिक लोड हो जाए देन आउ कौन हुए ना एडजस्ट लोड करिवा कौन पे ना ट्रांसफार्मर रो टेम्परेचर राइज टाकू विदिन परमिसिबल लिमिट रखिया पे
आउ वोल्टेज को चेक करवा केम चेक करवा जदि हम लोड एडजस्ट करवा ताले हम वोल्टेज को भी चेक कर परबा डेली मेंटेनेंस रे हम कोन चेक करवा चेक फॉर लेवल ऑफ ऑयल एंड फिल इफ नीडेड टैंक जो रही छि ऑयल तक हम चेक करी कि जदि कमी जाय तक हम फिल करवा टैंक एंड रेडिएटर को चेक करवा जदि अनयूजुअल नॉइज आछि वाटर कूलिंग कूलिंग वाटर फ्लो जो होछि देखिबा सेटा ठीक ठाक फ्लो करछि ना नै जदि भांगी जाय थिबा ताले तार टेम्परेचर राइज हो जाए तक हम चेक करवा ऑयल सर्कुलेटिंग पंप एंड स्टार्ट द फैन तार एग्जॉस्ट फैन था एग्जॉस्ट फैन तक कूलिंग करता है से सब जिनसे हम चेक करवा आउ कौन चेक कर चेक फॉर रिलीफ वेंट इज नॉर्मल और ओपन रिलीफ वेंट कहीं थे जदि ट्रांसफर्मर में अधिक हिट जेनेट हो रिलीफ वेंट को खोलिकी तो हिटटा को एक्सट्राक्ट करने को पड़े कलर ऑफ सिलिका जेल इफ टर्न पिंक जदि पिंक है तो हम चेंज करवा ऑयल लेवल इन बुशिंग बुशिंग रे जर ऑयल लेवल चा को चेंज करिवा पोजीशन ऑफ टैप चेंजर ऑल कंट्रोल सर्किट पावर सप्लाई आउ अलार्म सर्किट जदि किसी फॉल्ट है त अलार्म सर्किट कंट्रोल सर्किट टोटल टाइमर सर्किट जत को सब कंट्रोल करते है पावर सप्लाई से जिंसा में चेंज चेक करिवा आउ स्विच है जोरा से क्लोज है जी आउ फ्यूज आर वेल प्लेस्ड ए सब जिंसा में चेक करिवा जदि हम डेली मेंटेनेंस कर मंथली मेंटेनेंस कर रे चेक लेवल ऑफ ऑयल एंड फिल इफ नीडेड टर्मिनल एंड अर्थ कनेक्शन चेक करवा ऑयल लेवल इन बुशिंग एंड अदर डेली मेंटेनेंस चेक्स मीन्स जहाँ भी हमारे डेली मेंटेनेंस रहा आम ट्रांसफर्मर ताको भी अदर चेक करवा क्वार्टरली मेंटेनेंस कले एग्जामाइन क्रैक एट दैट पोजिशन दैट डिपोजिट एंड बुशिंग जो किसी लगी जाए क्रैक हो जाए बुशिंग फाटी जाए कि डार्ट डिपोजिट है तक हमें एग्जामिन करके तक चेंज करवा वर्किंग ऑफ कूलिंग फैन एंड सर्कुलेटिंग पंप हमें चेक करवा क्वार्टरली मेंटेनेंस जदि हाफियरली मेंटेनेंस कर चेक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल वर्किंग ऑफ कूलिंग फैन सर्कुलेटिंग पंप बुशिंग एंड इन्सुलेटर वर्किंग सब चेक करवा केबुल बॉक्स चेक करवा अदर डेली मेंटेनेंस एंड क्वार्टरली मेंटेनेंस चेक जहाँ भी हमारे डेली मेंटेनेंस रहा प्रीवियसली कि क्वार्टरली मेंटेनेंस रहा से सब आम चेक करवा जो हाफियरली मेंटेनेंस कर आनुआल मेंटेनेंस तो मैक्सिमम सबुतक चेक ही होता है कहीं ट्रांसफर्मर आम डेली नीड रे बहुत दरकार हुए कहीं आनुआल मेंटेनेंस मैक्सिमम चेक्स होता है दोज चेक्स व्हिच आर इनक्लूडेड इन डेली हाफियरली मेंटेनेंस दोज ऑल्सो आर चेक्ड इन आनुआल मेंटेनेंस देखिए कौन चेक हो चेक फाउंडेशन फॉर क्रैकिंग जब फाउंडेशन रे क्रैक हो जाए ताले ट्रांसफॉर्मर गली पड़े संभावना अच्छी बुशिंग भांगी जीव जतक वायर छिंटी जीव तो चेक फाउंडेशन फॉर क्रैकिंग एंड सेटेलिट एल्स शिफ्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर विल ब्रेक बुशिंग एंड वाटर लाइन ये सब जिन भांगी दबा जदि ट्रांसफॉर्मर पड़ी आउ कौन देखा ना रेल स्टफ ट्रांसफर्मर रे जो बड़ बड़ ट्रांसफर्मर तर सब कार थे ट्रांसफर्मर कार थे सब रेल्स गुरा सब तरह चका लगी थाए चका को आम फिटिंग देखा कौन करिया ना रेल स्टफ्स देखा रेल स्टफ्स ठीक ठाक धरिक होल्ड कर रखुच्छे कि ना जब होल्ड न कर पार्टी ट्रांसफर्मर कार होल्ड न कर पार्टी तेल वेल्डिंग करदे लाइटनिंग आरेस्टर आर्थिंग रेजिस्टेंस फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर अफ कंट्रोल सर्किट पावर सप्लाई अलार्म सर्किट ऑक्सिलरी सप्लाई मीन जोर सब ट्रांसफर्मर को चलवापी ट्रांसफर्मर ठीक ठाक चलती तार मेंटेनेंस करवाई वोल्टेज पावर सब जिस ऑक्सिलरी सप्लाई तक देवा ऑक्सिलरी सप्लाई चेक करवा टाइटन लूज एंड वाइब्रेटिंग पार्ट्स पोर्सेलिन इन्सुलेटर सफा करवा एंड अदर हाफियरली मेंटेनेंस हाफियरली मेंटेनेंस जब चेक हो समस्त चेक विथ ऑल अदर चेक्स सब जगह हमें एनुअल मेंटेनेंस करवा टू ईयरली मेंटेनेंस करचे इट इनक्लूड एक्सटर्नल इन्स्पेक्शन ऑफ कोर देख कोर ट्रांसफर्मर कोर जदि सबुबले कोर ठीक ठाक नथा जदि तार कलर छाड़ जाइए कि तार कैपेसिटी से थोड़े तक आम चेक करवा जदि हो पार आम कलर करवा देन फिल्टर एंड फिलिंग ऑफ ऑयल इन ट्रांसफर्मर टाइम तार प्रोसेजर विभिन्न प्रकार प्रोसेस अच्छी फिल्टरिंग रहा से प्रोसेस आम फिल्टर करवा फिल्टर करके तादुरु मॉइस्चर बाहर करवा देन तक पुणी हाथ में रिफाइन करी पुणी हाथ से ऑयलटा को रखा एंड अदर आनुआल मेंटेनेंस टू इयरली हो आनुआल भी मेंटेनेंस भी चेक हाँ जब फाइव इयरली मेंटेनेंस होती क्लीन ट्रांसफर्मर विथ ड्राए ट्रांसफर्मर ऑयल ट्रांसफर्मर जितक ऑयल बाहर करी तक आम पुणे प्रेसराइज एयर पुट करी
ट्रांसफर क्लीन कर नुआ अएल ताते पकेगा ओपन टैंक एंड क्लीनिंग टोटल टैंक टाक आम खोल क्लीनिंग करवा पुणी रीआसेम्बल कर जोड़ा एंड अदर आनुआल मेन्टेनान्स जहाँ भी आनुआल मेन्टेनान्स ये भी फाइव इयरली मेन्टेनान्स अनसेड्यूल मेन्टेनान्स कौन अनसेड्यूल मेन्टेनान्स इज नॉट नीडेड देख ये कौन लिखाई इफ ट्रांसफर्मर हाज बीन प्रॉपर्ली मेंटेन एंड नो इंटरनल फॉल्ट अकर जो किसी प्रॉब्लम है देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अनटैंक इट जितक ऑयल आम का दरकार नहीं आम से ओवरऑल गोटे चेकअप कर पार जदि न करचे ट्रांसफर्मर प्रॉपर्ली मेंटेनेंस आम न करचे जितक सब मेंटेनेंस न करचे कौन करवा अदरवाइज स्लर्ज जो सब मड फॉर्मेशन हम कौ सकाशु ना ऑयल कैप्चर कर ऑयल गुरा सब मॉइस्चर कैप्चर कर दे स्लर्ज स्लर्ज फॉर्म ड्यू टू ऑक्सीडेशन से कौन कर ओवरहीट कर क्या ट्रांसफर्मर को ऑयल सुड भी सही से ऑयल कौन करवा वाश करवा विथ क्लीन ऑयल अंडर प्रेसर ऑल्सो चेक फॉर लूज लैमिनेशंस जो अनसेड्यूल मेंटेनेंस ये सब जिस विभिन्न प्रकार सर्किट ब्रेकर लो वोल्टेज हाई वोल्टेज एयर सर्किट विभिन्न प्रकार सर्किट ब्रेकर अच्छे तार चेक केमती करवा मंथली मेन्टेनान्स करे वाइप आउट इन्सुलेटिंग पार्ट एंड ब्रुशिंग रिप्लेस डैमेज पार्टस मुविंग पार्टस स्टेशनरी पार्टस ऑयल लेवल इन सर्किट ब्रेकर चेक करवा हापियरली मेन्टेनान्स चेक कंटाक्ट प्रेसर कंडीशन अफ कंटाक्ट स्प्रिंग जोटा कि स्प्रिंग कौन कर ना मुविंग कोईल हो स्टेशनरी कोईल को अपरेसन करपरेट कर गैसकेट ब्रेकर ऑपरेटिंग मेकानिजम डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल एंड वाइप आउट डस्ट हापियरली मेन्टेनान्स डस्ट भी वाइप आउट करा पड़ो आनुआल मेन्टेनान्स कौन करवा इन्स्पेक्ट एंड टाइटनेस ऑफ वायर कनेक्शन वायर को टाइट करवा वेरीफाई कंट्रैक्ट जितक रहा फुल्ली ओपन एंड फुल्ली टोटल सर्किट ब्रेकर फुल्ली ओपन एंड फुल्ली क्लोज पोजिशन में अपरेट करवा देखिए सी ठीक ठाक अपरेट कर फ्रिक्शन जो होता चेक करवा इन्सुलेशन रेजिस्टेंस चेक करवा करेक्ट अलाइनमेंट कर मैग्नेटिक फेसेस रो टेस्टिंग एंड सेटिंग ऑफ कांटेक्ट टर्मिनल्स कार ओएलआरसी और एनबीसी तार से ठीक से होल्ड कर पार्टी कि नहीं ओवरलोड हेले छाड़ी पार्टी ना से सब जिन चेक करवा देन आउ गोटे प्रकार सर्किट ब्रेकर मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कौन करवा ना मीडियम वोल्टेज सर्किट विभिन्न प्रकार अच्छी मीडियम वोल्टेज एयर सर्किट ब्रेकर जो देखिए हापियरली मेन्टेनान्स करवा अनर मेन्टेनान्स करवा हापियरली मेन्टेनान्स क्लीन इन्सुलेटिंग पार्टस इनक्लूडिंग ब्रशेस चेक अलाइनमेंट मूविंग एंड स्टेशनरी कॉन्टैक्ट टाइटन लूज पार्टस चेक इन्सुलेटर ब्रेकेज ऑफ इन्सुलेशन चेक कॉन्टैक्ट्स ऑफ आइसोलेशन जिन करवा एनुअल मेन्टेनान्स चेक एंड रिप्लेस डैमेज पार्टस टेस्ट ऑल रिलेज जोटा कि सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दब ओवर करेन्ट को ओवर वोल्टेज वेरीफाई द कंटैक्ट फॉर फुल्ली ओपन एंड फुल्ली क्लोज पोजिशन फॉर अवॉइडिंग फ्रिक्शन मीडियम वोल्टेज ऑयल सर्किट ब्रेकर जदि मीडियम वोल्टेज ऑयल सर्किट ब्रेकर पूर्वटा कौन थी मीडियम वोल्टेज एयर सर्किट ब्रेकर नेक्स्ट मीडियम वोल्टेज ऑयल सर्किट ब्रेकर मीडियम वोल्टेज ऑयल सर्किट ब्रेकर जब मंथली चेक करेंगे केवल ऑयल लेवलटा चेक करवा जब हापियरली मेन्टेनान्स चेक कर चेक ट्रिपिंग मेकानिजम ठीक ठाक ट्रिप कर ओवर करेन्ट हेल्ले काम करना ना लुब्रिकेटिंग अफ मुविंग पार्टस कर मुविंग पार्टस लुब्रिकेटिंग करवा कंडीशन अफ अलाइनमेंट ठीक ठाक मुविंग पार्टा जाइंकि स्टेशनरी पार्ट ठीक ठाक अलाइनमेंट होती चेक करवा आडजस्टमेंट अफ कंटाक्ट्स करवा आउ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑयल रो चेक करवा जब आनुअल मेन्टेनान्स हो थरोली आनुअल मेन्टेनान्स मीनस मैक्सिमम जितक मेन्टेनान्स उबर देखते मैक्सिमम जिस इनक्लूड हे थरोली क्लीन एंड टैंक एंड अदर पार्टस इन कंटाक्ट विथ ऑयल चेक ब्रेकर ऑपरेटिंग मेकानिजम अल्सो टाइट लूज पार्टस ऑयल रिप्लेसींग ऑयल बी श्योर गैसकेट इज नॉट डैमेज्ड गैसकेट जमी भांगे चेक एसीडिटी अफ ऑयल विभिन्न प्रकार चेक अच्छी चेक करवा क्लीन एंड लुब्रिकेट मुविंग पार्टस एंड क्वेंचिंग चैंबर जोटा कि आर्कटा क्वेंचिंग इन्सुलेटिंग ऑयल काम कौन से आर्कटा को बंद करदेव से जिन से कैपासीटी रोथ से ऑयल नेक्स्ट मीडियम वोल्टेज बल्क ऑयल सर्किट अधिक ऑयल जब रहा है मेन्टेनान्स तर रही है मंथली चेक रे आमे खाली ऑयल लेवल चेक करवा क्वार्टरली मेन्टेनान्स डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करवा जदि सेभेन सात थर ट्रिप होगा कि थ्राइस हुईच एवर जोटा भी आगे आसो तीन थर ट्रिप करगला कि थ्राइस हुईच एवर इज एयर तीन थर हम कि सात थर सत तीन मस सरी एटा तीन मस रहा कथा
ତିନି ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ସାତ ଥର ଯେଉଁଟା ଆଗେ ହେବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ନା, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ମିନ୍ସ ତିନି ମାସ ଥରେ କିମ୍ବା ଯଦି ସାତ ଥର ହେଇଗଲା, ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସାତ ଥର ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ତା'ର ଚେକ୍ କରିବା। ଚେକ୍ ଟ୍ରିପିଂ ମେକାନିଜିମ୍ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲୁବ୍ରିକେଟ୍ ମେକାନିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ କ'ଣ କରିବା, ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଣ୍ଡ ମୁଭିଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା, ଏସିରେ ଟିକେ ଭଲ ଚେକ୍ କରିବା। ଟୁ ଇୟର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ଟାକୁ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା, ଟୁ ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ କୋର୍ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା, ତାକୁ କଲରିଂ କରିବା, ଫିଲ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଅଏଲ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍ରେ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବା, ଚେକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ତ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି କହୁଥିଲେ ନା, ହାଇ ପଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା, କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଅଛି। ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସାଫ୍ଟ ପୋଜିସନ୍, କାହିଁକିନା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେମିତି ନା, ତା'ର ସାଫ୍ଟ ସେଇଟା ଓପନ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଆଉ ଓପନ୍ କରିକି ତାକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତା'ର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସାଫ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେବା ଯେ ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଲା। ହେଲା, ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସାଫ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏରୋଜନ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ଯଦି ତା'ର ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲେ, ଯଦି ତା'ର କିଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସାଫ୍ଟକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଅଦର୍ ତାକୁ ଆମେ ଖୋଲିପାରିବାନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍। ଅଦର୍ ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚେକ୍ସ ଅଫ୍ ଏୟାର ସର୍କିଟ୍, ଏୟାର ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍ରେ ଆମର ଯାହା ବି ଚେକ୍ କରିଥିଲେ, ଆଦରେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଆଉ ଏୟାର ସେମ୍ ପ୍ରକାରର ତା'ର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଯଦି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍ ଅଛି, ହାଇ ଭୋଲ୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍, ଏ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା ଫ୍ରମ୍ 6 to 12 months, ମିନ୍ସ 6 to 12 months ମିନ୍ସ ଓଭରହଲିଂ ମିନ୍ସ 6 to 12 months ଭିତରେ ଯେତକ ପ୍ରକାର ଚେକ୍ ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିନି, ଯେତକ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଚେକ୍ ରହିଲା ସବୁତକ ଚେକ୍ କରିବ 6 to 12 months ପରେ, ଆଇଦର 6 months ପରେ କିମ୍ବା 12 months ପରେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଓଭରହଲିଂ ଅଫ୍ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକା ଭଳିଆ ଚେକ୍ଅପ୍ ହୁଏନି, ତ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍ ବହୁତ କମ୍ ଚେକ୍ଅପ୍, ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍, ତା'ର କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଲାଇନ୍ର କେବଳ ଗୋଟେ ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହୁଏ, କ୍ଲିନିଂ ଅଫ୍ ଇନ୍ସୁଲେଟର୍, ଟାଇଟନିଂ ଅଫ୍ କ୍ଲାମ୍ପସ୍, ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଯଦି କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା, ଇନ୍ସୁଲେଟର୍ କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା, ଗଛ କାଟନ୍ତି ଦେଖିଥିବ ରାସ୍ତାରେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଆର୍ଥିଂ, ଆର୍ଥିଂ ଯଦି ତା'ର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଇଟନିଂ ଆରେଷ୍ଟ ଥାଏ ସେ ଆର୍ଥିଂ ଚେକ୍ ହୁଏ, କଣ୍ଡିଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ ତା'ର କରିବା, ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କାହାର କରିବା, କଣ୍ଡିଟ୍ର କରିବା, ମେଜର ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଓଭର୍ ହିଟିଂ ଟେଷ୍ଟ, ଓଭରଲୋଡ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଚେକ୍ ଟାୱାର୍ ଫର୍ କରୋଜନ୍, କରୋଜନ୍ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଗାଲଭାନାଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାୱାର୍ ଥିବ, ସେଠି କରୋଜନ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ୍, ତା'ର ଟର୍ମିନାଲ୍ ବକ୍ସ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏତେଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନଥାଏ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ। ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଇନ୍ସୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚେକ୍ ହୁଏ, ଡିସ୍କଲର୍ ଅଫ୍ କେବୁଲ୍ ଯଦି ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ହିଟିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ୍ରେ। ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ରହୁଛି ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ଆମେ ତା ଦେହରେ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଲିନ୍ କରିବା, ବ୍ୟାଟେରୀର ଯେତେକ ଏସିଡ଼ିଟି ତା ଥାଏ ନା, ତା ଦେହରେ ସବୁ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆମର ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏସିଡ଼ ଥାଏ, ତ ଯଦି ଏସିଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ, ଏସିଡ଼ ସବୁଯାକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର ବ୍ୟାଟେରୀର ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ ଏସିଡ଼ ଲେବୁଲ୍, ଯଦି ତା'ର ଶୁଖିଗଲା ତାହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଦେନ୍ ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ଲି ଚେକ୍ କରିବା, ୱିକ୍ଲି ଚେକ୍ କରିବା, ତ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀର ପ୍ଲେଟ୍ ହିଁ ଚେକ୍, ପ୍ଲେଟ୍ ଟାଇଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଭେଣ୍ଟ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ୱିକ୍ଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ବି ଡେଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସକୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ଫୋର୍ଟନାଇଟ୍ଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ବି ଡେଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଥଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ, ମନ୍ଥଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଚାର୍ଜିଂ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କ୍ୱାର୍ଟରଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଲେ ଏଚ୍ ସେଲ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖୁଛି ନା ନାହିଁ, ହାପିୟର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ହାପିୟର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦେଖ, ଅଦର୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଚେକ୍, ହାପିୟର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଆମେ ଯାହା ବି ତା'ର ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ହାପିୟର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରି। ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀର ରିଆକ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଚେକ୍ କରିବା, ବାକି ଅଦର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି କରିବା। ଆଇସୋଲେଟର୍ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କ୍ୱାର୍ଟର୍ଲି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ଲୁବ୍ରିକେଟ୍ କରିବା, ଆର୍ଥିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆର୍ଥିଂରେ ଆମେ ଲାଇଟନିଂ ଆରେଷ୍ଟର୍ ରହୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ସ୍ୱିଚ୍ ଗିୟର୍ରେ 2 to 3 times ତିନି ମାସକୁ ଥରେ ସ୍ୱିଚ୍ ଗିୟର୍ ଚେକ୍ କରିବା। SFC ସର୍କିଟ୍ ବ୍ରେକର୍ରେ ଯେତେ ଥର ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ୍ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଚେକ୍ ହେବ।
Next, this is our assignment questions and very important for examination point of view. This is the end of video. Thank you. As this is a one-way communication, you can contact me if any query in my WhatsApp number. Thank you all.